हेलो गाइस, आज मैं बात करूंगी कि मैं फैशन इलस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। सो माय फर्स्ट प्रोडक्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस स्केच 24 कलर डुअल टिप्स प्लस पेन। ये 24 कलर्स में आते हैं, वाटर कलर, ओडर, नॉन स्टिक, डुअल टिप्स, ब्रश, एप्रोस्टिक्स। ये एक फाइन लाइनर एंड ब्रशेस में आते हैं। लेट्स ओपन इट। ये वो ब्रश पेंस जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी इलस्ट्रेशंस के लिए। ये दो तरीके के हैं, एक मार्कर्स ब्रश जैसा और एक फाइन लाइनर देने के लिए फाइन पेन। दो टाइप के हैं ये। इसमें 24 शेड्स हैं, देखिए पूरे 24 शेड्स हैं डुअल टिप्स। सो माय सेकंड प्रोडक्ट इज ग्लिटर्स आई यूज फॉर माय इलस्ट्रेशंस। लेट्स ओपन इट। एक ग्लिटर है जो डोम्स के हैं, ये मैं डिटेलिंग्स देने के लिए, हाइलाइट्स देने के लिए अपनी इलस्ट्रेशंस में यूज़ करती हूँ। थर्ड है ये चीप वाटर कलर्स जो मेरे पास हैं, जो मैं डिटेलिंग के लिए यूज़ करती हूँ। स्पेशली मैं इसे ब्रशेस से डिटेलिंग ब्रशेस से मैं डिटेलिंग के लिए यूज़ करती हूँ। चीप वाटर कलर्स को मैं डिटेलिंग के लिए यूज़ करती हूँ। और ये डोम्स का वाटर कलर ट्यूब्स जो 12 शेड्स हैं मेरे पास है, देखिए पूरे 12 शेड्स हैं, येलो ब्लू पैनिश ब्लू, येलो ऑरेंज, ब्लैक, रेड, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ऑरेंज। ये कौन सी कलर है, ये कोई वाइट कलर, ये ब्राउन कलर। और मैं यूज़ करती हूँ पेंसिल कलर जो इलस्ट्रेशंस में जान डालती हैं। ये पेंसिल कलर्स के बिना इलस्ट्रेशन अधूरी लगेंगी। ये 12 शेड्स हैं जो डोम्स के हैं, डोम्स पेंसिल कलर। फोर्थ में है मेरे पास ये स्केच बुक्स जो कि मैंने थोड़े बहुत बना भी रखे हैं, इसमें मैंने कंप्लीट भी नहीं किया है। ये देखिए ये 3 कलर्स में अवेलेबल है मेरे पास, वाइट में, ब्राउन कलर्स एंड ब्लैक। ब्लैक में वाइट कलर से इलस्ट्रेशंस बनाने में हेल्प मिलती है, वाइट कलर की इलस्ट्रेशंस। फोर्थ अफीन से है मेरे पास ये टोम्स के वाटर कलर जो कि है पूरे 12 शेड्स में, और इसके साथ एक ब्रश भी दिया है, एक ब्रश है इसके साथ, ऐसे ऐसे पानी में ऐसे करके ऐसे। उसके बाद मेरे पास है ये, इसमें मैंने पेंस रखा है ये डिटेलिंग के लिए। ये पेंसिल्स हैं और ये डिटेलिंग ब्रश है, डिटेलिंग ब्रश। और ये मेरे पास ये भी एक ब्रश है मेरे पास जो इतना काम का नहीं है। और ये है ये सस्ते वाले स्केच पेंस हैं, मेरे पास पहले से थी, ये शुरू में की, इसमें कुछ नहीं है। और मेरे पास है ये मेरे पास है, इसमें मेरे पास है एक एक
ये एक है ब्रश, पेंट ब्रश, ये इरेजर, ये एक है शार्पनर, ये भी एक इरेजर ही है इसमें, ये है इसे हम पेंसिल्स को फाइन साफ करते हैं इसमें इसे रब करके, और ये सैंडो पेपर है, ये 3 ब्लेंडर्स है, और ये इतने सारे पेंसिल्स हैं, और ये है मार्कर, एक इसमें मार्कर दिया हुआ है कि खोल के दिखाती, मार्कर है, ये कलर पेंसिल्स हैं इतनी सारी इसमें, लगभग शायद 74 कलर्स हैं, कुछ मेटालिक कलर्स हैं, कुछ वाटर कलर्स हैं, कुछ पेंसिल्स कलर्स हैं, चारकोल, ये वाइट चारकोल्स हैं, ये ब्लैक चारकोल्स के दिखा, ये वाइट चारकोल, ये ब्लैक चारकोल, इसमें एक ब्रश भी था, हाँ ये एक ब्रश भी दिया हुआ है, मेरे पास एक पूरा टोटल बैग सा है, और मेरे पास ये ड्राइंग्स है, सिर्फ ड्राइंग्स, इसमें मैं अपने ड्राइंग्स बनाती हूँ, और भी बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं अपने इलस्ट्रेशंस बनाती हूँ, ये तो इसे रफ़ है, मैं सिर्फ रफ़ किया है, ये सब रफ़ है, मैंने शुरू शुरू में किया था, ये सब रफ़ है, ये इसमें है कुछ ड्राइंग्स मेरी, एक दो ड्राइंग्स अभी इनकम्प्लीट है, ये बिगड़ गया था थोड़ा सा बनाया, अभी इनकम्प्लीट है ये ड्राइंग, इसमें देखते हैं, मेरे पास ये चौक आ गया था, मैंने ड्रम्स का ऑर्डर किया था पूरे कलेक्शन में, और मतलब पूरे टोटल में ऑर्डर करते, ये चौक भी मुझे दे दिया, और इसमें है कलर पॉप्स, कलर पॉप 12 ऑयल पिस्टल्स हैं, ये कैमल का है, ये वैक्स क्यूरियंस है मेरे पास है, ये है कलर मिक्सिंग पैलेट, मैंने कलर मिक्स कर रखा है, ये चॉक होल्डर है, ये ड्रम्स का वैक्स क्रियोन्स हैं 16 शेड्स हैं इसमें, गिर गया इधर से था, इसमें इतने सारे शेड्स हैं, ये शेड्स, और कुछ नहीं है मेरे पास, ये शार्पनर है, ये इरेजर, ये स्केल्स हैं कुछ, ये है एक पेन डिटेलिंग के लिए यूज़ करती हूँ, और कुछ नहीं है मेरे पास, बस आज का वीडियो इतना ही, आप आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच।